सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स इन हिंदी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ टिप्स इन हिंदी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो से जिसमें हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में मक्के की रोटी खाने के फायदे। इससे पहले हमने आपको सर्दियों में सरसों के साग खाने के फायदे बताए थे, भला मक्के की रोटी के बिना सरसों के साग का मजा कैसे आएगा। चलिए आज इस वीडियो में आपको मक्के की रोटी के फायदे बताएंगे। सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं काफी फायदेमंद होता है मक्का खाना, चाहे रोटी के रूप में खाएं या इसे साबुत ही खा लें। मक्के में फाइबर, विटामिन जैसे आदि पोषक तत्व होते हैं। मक्के को आसानी से पचाया जा सकता है, ये डाइजेशन के हिसाब से भी अच्छा होता है। ये ग्लूटेन फ्री होता है, इसलिए आप इसका सेवन करना बहुत फायदेमंद है। आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। मक्के की रोटी खाने से खून बढ़ता है। शरीर में यदि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कम हो जाए तो इस स्थिति को एनीमिया कहा जाता है। ऐसे में एनीमिया के मरीजों के लिए मक्के का आटा बहुत लाभकारी होता है। दरअसल मक्के में जिंक, आयरन और बीटा कैरोटीन होता है जो शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण बढ़ाने का काम करता है। इससे कई बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है। मक्के की रोटी खांसी के लिए फायदेमंद है। कफ में मक्का के भुट्टे को जलाकर उसकी राख तैयार कर ली जाए और इसे पीस लिया जाए। फिर इसमें अपने स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालकर दिन में 4 बार 1 चम्मच फांकी लेने से खांसी, कफ और सर्दी में आराम मिलता है। मक्के की रोटी हड्डियों को बनाती है मजबूत। मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर मक्के की रोटी के सेवन से हड्डियों का घनत्व बढ़ता है। इसके अलावा इसमें जिंक और फॉस्फोरस भी पाया जाता है। यह आर्थराइटिस जैसे रोगों से बचाव में भी काम आता है। पचने में आसान होती है मक्के की रोटी। गेहूं की रोटी के अपेक्षा मक्के की रोटी का पाचन आसान होता है। यह एसिडिटी, कब्ज आदि पेट संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने में भी फायदेमंद होता है। इसमें काफी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो पेट की ठीक तरह से सफाई करता है और लीवर को भी दुरुस्त रखता है। पेशाब की जलन की समस्या को दूर करती है मक्के की रोटी। मक्के के भुट्टे को पानी में उबाल लिया जाए और छानकर इसमें मिश्री मिलाकर पीने से पेशाब की जलन और गुर्दों की कमजोरी भी दूर होती है। पहले मक्के के उबले दानों को चबाया जाए और अंत में इस पानी को पिया जाए तो यह किडनी और मूत्र तंत्र को बेहतर बनाता है। किडनी की सफाई के लिए यह उत्तम फॉर्मूला है। ऐसा करने से पथरी होने की आशंका खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमें लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।